नमस्कार मित्रों, वैशाख संकट नाशक ज्योत दिन मंगलवार 19 अप्रैल 2022 को है। इस दिन सभी लोग भगवान गणेश जी और चौथ माता का व्रत अवश्य करें। अगर व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो इस दिन गणेश जी और चौथ माता की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। विशाख मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को संकट नाशक चौथ कहा जाता है। भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने श्रीमुख से कहा कि जग जननी माता विशाख कृष्ण चतुर्थी को होने वाली चौथ सर्व प्रकार के संकट हरने वाली है, इसीलिए इस चौथ को संकट नाशक चौथ कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, कहानी सुननी चाहिए। इस वीडियो में हम आपसे संकट नाशक चौथ की व्रत कथा शेयर कर रहे हैं। कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। वह गांव को चराकर अपना पालन पोषण किया करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक व्रत खोलने के समय स्वयं खाती थी। जब वैशाख महीने की चौथ थी, बेटा पड़ोसन के घर गया। वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा, बोला, आज क्या है? तब वह बोली, आज वैशाख चौथ है, इसीलिए मैंने चूरमा बनाया है। पड़ोसन कहने लगी, तेरी माँ तो हर चौथ को बहुत सारे लड्डू बनाती है और तुझे खाने के लिए केवल एक लड्डू देती है और ठंडी बासी रोटी देती है। लड़का पड़ोसन की सिखाई में आ गया और अपनी माँ से बोला, तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसीलिए तू अब चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत तेरे ही सुख और शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर बेटा बहुत नाराज हो गया और विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा, यदि तू मेरे से नाराज है और विदेश जा रहा है तो ये ले, चौथ माता के तिल साथ में ले जा। जहाँ पर भी तुझे संकट आए, इन तिलों को बोकर बैठ जाना और विनायक जी का नाम लेना, तेरे सभी संकट दूर हो जाएंगे। लड़का चौथ माता के तिलों को हाथ में लेकर पोटली में बांधकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे खून से भरी हुई नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसने माँ की याद किया और अपनी माँ द्वारा दिए हुए चौथ माता के तिल नदी में डाले और कहा, चौथ माता, यदि तू सच्ची है तो मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती है, यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए जिससे मैं यहाँ से आगे जा सकूँ। तो इस तरह से नदी में रास्ता बन गया और उसने नदी पार कर ली। आगे चला तो भयंकर जंगल आया। जंगल में भी उसने चौथ माता के तिल बोए और जंगल में से निकल गया। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस नगर के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन बनाने का आवा पकता था और उस आवे में एक आदमी की बलि दी जाती थी। एक आदमी को बर्तनों के साथ भूना जाता था जिससे वह आवा पकता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसती जा रही है, रोती जा रही है। लड़के ने इसका कारण पूछा, तब बुढ़िया माई बोली, आज मेरे इकलौते बेटे की इस आवे में पकने की नंबर है। तब वह लड़का बोला, बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, मैं तेरे पुत्र की जगह इस आवे में जाऊंगा। बुढ़िया माई ने बहुत मना किया लेकिन वह लड़का ना माना। राजा के दूत उस लड़के को बुलाने आए तो बुढ़िया माई किए लड़के की जगह वह लड़का चल दिया और साथ में चौथ माता के, जो अपनी माँ के द्वारा दिए हुए तिल और एक जल का लोटा ले लिया और आवे में बैठ गया। आवे में उसने अपने चारों तरफ चौथ माता के तिल डाल दिए। दूसरे दिन आवा पक गया और तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, जो आवा 7 दिन में पकता था वह अगले दिन कैसे पक गया। राजा जी ने भी यह बात सुनी और राजा स्वयं देखने के लिए आया। आवे में बर्तन निकाले तो आवे में से आवाज आए, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। तभी राजा ने आवाज़ सुनकर कहा, तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के की तुमने आवे में बलि दी थी, मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया
बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के प्रश्न पूछने पर उसने कहा, यह सब चमत्कार मेरी माँ के द्वारा दिए हुए तिलों से, जोत माता और विनायक जी की कृपा से हुआ है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए हर महीने चौथ माता का व्रत करती है, उन्हीं के प्रताप से आज मैं इस भयानक संकट से भी बच गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर स्वयं बैठा, दूसरे को पर लड़के को बिठाया और उसके हाथ पैरों में जंजीरें बांधी। कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीरें मेरे हाथ में आ जाएं, और दोनों घोड़ों को दौड़ा दिया। उस लड़के ने घोड़े पर बैठकर चौथ माता का नाम लिया। चौथ माता का नाम लेते ही उस लड़के के हाथ से जंजीरें उतरकर राजा के हाथ में चली गई। यह सब चमत्कार सारी प्रजा ने, बुढ़िया ने, रानी ने देखा और सभी लोगों ने चौथ माता की जय बोली, विनायक जी महाराज की जय बोली। उस दिन से उस राज्य में भी सभी लोग विनायक चौथ का, हर महीने की चौथ का व्रत रखने लगे। अब लड़के ने कहा, मैं अपने घर जाता हूँ। तो राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब दोनों वर वधु अपने गांव पहुँचे। लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू आ रहे हैं। तब वह बोली, नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ। वह ऐसा कहकर रोने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो बहू बेटों को सामने पाया। बेटे ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी, कहने लगा, यह सब चौथ माता की कृपा से हुआ है, आज मैं जो तेरे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। सभी सुहागनी स्त्रियाँ अपने सुहाग के लिए और सभी संतान वाली स्त्रियाँ अपने संतान के लिए हर महीने की चौथ का व्रत अवश्य करें। 12 महीने की चौथ का व्रत जो ना भी कर पाई तो केवल 4 बड़ी चौथ तो अवश्य ही करनी चाहिए। विसाख की यह चौथ बड़ी चौथ है मित्रों, जो 19 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार को है, जिसे संकट नाशक चौथ कहा जाता है। यह बड़ी चौथ में से होती है। इस चौथ का व्रत तो सभी को अवश्य ही करना चाहिए, कहानी सुननी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा तुमने बुढ़िया माई को उसके बेटे को दिया, सभी कहानी कहने और सुनने वाले को देना। बोलिए चौथ माता की जय, विनायक जी महाराज की जय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी महाराज अवश्य लिखें।